अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चितरनार। चितरनार में हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए आप कितने बंदर है। तो मैं बाहर से ही इनका वीडियो ले रहा हूँ क्योंकि अंदर नहीं जा सकता हूँ, ये तो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। उतने ख़तरनाक भी नहीं होते हैं, लेकिन मैं पहली बार मतलब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट सेफ फॉर मी टू गो इनसाइड। तो ये देख सकते आप कितने इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो अच्छा लगता है ये सब आपको दिखाने में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए आप यहाँ से चितरनार का सपोर्ट्स ग्राउंड जहाँ पे खेलते हैं, और बाकी यहाँ से एंट्री होती है इसकी। यहाँ से देखिए आप कितने पेड़ हैं यहाँ से, और वो देखिए आप यहाँ से जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका स्कूल है, वो जो आपको दिख रहा है वो गाड़ी से जो गेट है, और यहाँ से भी ये हॉस्टल आपको नज़र आ रहा है ये देखिए। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा ग्राउंड के कितना बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे कोई नहीं है इस वक्त, तो मैं आपको फिर भी दिखाने जा रहा हूँ ये एमपीटी ग्राउंड ऑफ चितरनार, जहाँ पे बहुत सारी जगहों से आते हैं खेलने। यहाँ से देखो वहाँ से जंगल कितने घने, और यहाँ से मुझे लगता है ये स्कूल है, तो लेकिन पता नहीं ये कौन सा स्कूल है, तो आगे जाके मैं बताता हूँ। अब हम आगे यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं ये बिल्डिंग, लेकिन अफसोस कि इस पर कुछ कोई बोर्ड ही नहीं लगा है, तो हम नहीं बता सकते ये क्या स्कूल है। तो यहाँ से और भी बिल्डिंग्स हैं पुरानी, मुझे लगता है ये यूज़ेबल नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी है, क्योंकि इनमें न शीशे हैं और दरवाजे और खिड़कियाँ भी नहीं हैं, बहुत ही पुराने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो वो पीछे की साइड से भी और दो तीन बिल्डिंग ऐसी एक स्टोरी बिल्डिंग है। तो अब फाइनली शुक्र अल्लाह का यहाँ से अब हमें एक बोर्ड तो दिखा इस बिल्डिंग पे, जहाँ से हम आपको बता सकें कि ये आखिर है क्या। तो चलो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको बता देते हैं कि ये बिल्डिंग क्या है। तो ये देखिए आप, ये हमको दिख रहा है कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल का ओक हॉस्टल। अच्छा ये हॉस्टल है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बता के चलें कि साइड में एक कैफेटेरिया एंड रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे बहुत कुछ खाने के लिए मिलता है, जैसे कि बिरयानी, टी, कॉफ़ी एज वेल एज अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगहों से खेलने आते हैं, तो उनके लिए उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन आज कोविड-19 जो चल रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं उतने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासरूम्स टोटली बंद हैं बाहर से। अब हम यहाँ नीचे के रास्ते से वापस जा रहे हैं, तो आपको दिखा के चले यहाँ से कि देखो यहाँ पे कितनी गंदगी है इस सड़क पे, और सड़क कितना मतलब अनमैग्नमाइज्ड है यहाँ पे, मतलब नहीं लग रहा है कि ये यहाँ से रोड है। यहाँ से गाड़ियाँ तो चलती हैं लेकिन रोड अच्छे तरीके से मैग्नमाइज्ड नहीं है। एक तो यहाँ पे सपोर्ट्स ग्राउंड है, बहुत सारे यहाँ पे खेलने आते हैं। तो दूसरा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट। तो मेरे हिसाब से रोड यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए, मैग्नमाइज्ड। तो आपको क्या लगता है कि रोड कैसा होना चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना इंशाल्लाह। तो करते हैं आज की इस वीला की को यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा आज का ये व्लॉग। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगेबान।